नमस्कार दोस्तों, ये है शिवशंकर कृषि फार्म। और आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें हमने एप्पल बेर के पेड़ों की कटिंग की थी। वो कटिंग की थी लगभग हमने 15 से 20 अप्रैल के लगभग। तो ये देखिए, आज 10 मई है। 10 मई को 15 से 20 अप्रैल के बाद कटिंग करने के बाद वापस इनमें फूट के जो टहनियाँ आई है वो आप देख सकते हो। मेरे फार्म की एक एक पेड़ से कम 50-50 टहनियाँ है। 30 से लेके 50 टहनी कम से कम एक एक पेड़ के हैं। ये आप अच्छे से देखिए और चाहो तो आप काउंट भी कर सकते हो। 50 से कम टहनी नहीं निकलेगी इसमें, 50 प्लस टहनी है। तो ये देखिए, ये मेरे फार्म की जो आप कटिंग करने के बाद न्यू ग्रोविंग है वो आप देखिए, बहुत ही अच्छी है। और ये एक पेड़ की नहीं, जैसे सारे ही पेड़ों की ऐसी ही है। ये देखिए बिल्कुल, एक एक पेड़ से 30-40 तो नॉर्मली फुटान चली रही है। और अभी तो नई फुटाने चलना बाकी है। ये तो स्टार्टिंग जो फुटान है वो है, जैसे अब ये देखिए, ये बड़ी ब्रांच करीब 2 फीट की निकल गई। ये देखिए बिल्कुल छोटा चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे जो नए ये चल रहे हैं, वो रेगुलर यूं ही चलते रहेंगे करीब जून जुलाई तक। तो अभी तो इनमें और ब्रांचें बढ़नी है। अब इनमें हमने प्रॉपर खाद नहीं किया अभी, प्रॉपर खाद करेंगे जून में, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी की थोड़ी कमी है। इस वजह से अगर प्रॉपर खाद दे देते हैं तो प्रॉपर पानी नहीं दे पाते। इस वजह से हम अभी इनमें खाद नहीं दे रहे। खाद तो वही जून में देंगे। अब ये देखिए, अभी हमने पानी चला रखा है इनमें, ये ड्रिप से जो बूंद बूंद सिंचाई चालू रहती है, जिससे कि पेड़ में एक नमी बनी रहती है और उसी नमी के कारण पेड़ जीवित रहता है। तो आप अच्छे से देखिए मेरे फार्म की ये ग्रोविंग। जिस स्पीड से ये बढ़ रहे हैं उस स्पीड से लगभग 15 फिट के लगभग तो नॉर्मली हाइट होगी होगी। और ये आप अच्छे से आप भी देख सकते हो, जैसे कटिंग की 20 अप्रैल के लगभग कटिंग हुई थी अपनी, 15 से 20 अप्रैल के बीच। उसके बाद जो फुटान चल के जो ग्रोविंग चल रही है वो स्पीड आप भी देख सकते हो। तो इससे आप भी अनुमान लगा सकते हो कि कितनी हाइट हो सकती है। ये देखिए बिल्कुल, यानी कि इस भीषण गर्मी में भी ये लगने लग गया कि बिल्कुल फार्म ग्रीन है। बहुत ही अच्छा देखने में महसूस हो रहा है। तो मैं सभी किसान भाइयों को यही कहूँगा कि जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है वो खाद दे सकते हो अभी। बाकी जिनके पास कम पानी है, खाद दे दिया, पानी प्रॉपर नहीं दे पाते, तो वो एक पेड़ को नुकसान है, प्रॉफिट की जगह नुकसान है। आप आराम से देखिए इनकी हाइट लगभग 2.5 से 3 फीट हाइट हो गई।
और ये हाइट बहुत ही स्पीड से चल रही है, और इनमें फुटान तो बहुत ही गजब तरीके से चल रही है। ये देखिए एक एक इस पे छोटी से छोटी लेके मोटी बड़ी सब बहुत अच्छे फुटान चल रही है, और वो एक ही पेड़ पे नहीं, ये देखिए इस फार्म के सारे पेड़ों पे फुटान चालू है बिल्कुल। जो ये 10 मई है, 10 मई को ये देखिए कितना प्यारा प्लांट लग रहा है अब। तो हम इसमें रेगुलर कुछ भी नहीं कर रही है, बस ये बीच की जो ज़मीन है उसको बाजोत के तैयार करो, उपजाऊ बनाओ, जिसमें वो नहीं रहे। बाकी पेड़ों में तो हम कुछ भी नहीं दे रहे अभी, पेड़ में तो हम जून में ही देंगे ताकि जुलाई में बारिश भी हो जाए और कुछ हम भी पानी दे सकें। अभी तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, इस वजह से कोई खाद नहीं दे रहे हम तो। बाकी जिनके पास पानी है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, वो दे सकते हो। और इसमें हम तो ज़्यादातर जैविक देसी खाद ही यूज करते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी फार्म देखने के लिए। जिन भाइयों ने लगा रखा है वो इस टाइम थोड़ी प्रॉपर केयर करो, पानी दो और थोड़ी सी प्रॉपर केयर करो, बहुत ही अच्छी ग्रोविंग होगी। ठीक है किसान भाइयों, थैंक यू।